इसराइल और हमास के बीच जंग बेहद भयावह हो गई है। अब तक इस जंग में करीब 4000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच हमास ने इसराइल पर आरोप लगाया है कि उसने गाजा के एक अस्पताल पर हवाई हमला किया है जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई है। ये भीषण हवाई हमला मध्य गाजा के अलहली अस्पताल पर हुआ है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि इजरायली सेना ने अलहली अरबी अस्पताल पर एयर स्ट्राइक किया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और फिलिस्तीनी लोग शरण लिए हुए थे। फिलिस्तीन ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि इजरायली विमानों ने गाजा के अलहली अस्पताल पर बमबारी की जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस एयर स्ट्राइक पर इजरायल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि हमारे पास कई सोर्स से आई खुफिया जानकारी से पता चला है कि गाजा अस्पताल पर हमला करने के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। इजरायल प्रवक्ता डेनियल हंगरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमले के समय इजरायल का गाजा अस्पताल के पास कोई हवाई अभियान नहीं चल रहा था और हमले के लिए जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया वे उपकरण उनके उपकरणों से मैच नहीं करते हैं। वहीं इस हमले पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए इसे भयानक घटना बताया है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं। अस्पताल और चिकित्सा कर्मी अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। हालांकि ये भीषण हवाई हमला किसने किया अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस युद्ध को लेकर दोनों देशों के आम लोगों में डर का माहौल है। एक हफ्ते के इस युद्ध में इजरायल के 1300 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2800 लोग घायल हैं। वहीं हमास के 1900 लड़ाकों की मौत हो गई है, 8000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायल अब तक 6000 से ज्यादा रॉकेट से हमला कर चुका है जबकि हमास के हवाई हमलों की संख्या अभी तक 3000 से ज्यादा बताई जा रही है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल रोजाना 700 से ज्यादा रॉकेट दाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास रोजाना करीब 400 से अधिक रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले में वैश्विक तनाव बढ़ा दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की स्थिति कैसी रहेगी। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ।